हेलो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है और ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक आदमी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप स्मार्टफोन अपने बेड के पास रखते हैं उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और क्या क्या आपको करना चाहिए। तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा अगर आपको ये चीज़ें जाननी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे अमेजिंग और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है अपना स्मार्टफोन जब भी आप रात को यूज़ करते हो और अपने बाजू में रखते हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसमें जो रेडिएशंस होती है वो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। तो आप अपना स्मार्टफोन किसी साइड में रख सकते हो या फिर आप किसी टेबल पर रख सकते हो या फिर कहीं पर भी किसी सेफ जगह पर रख सकते हो सोने से पहले, ये चीज़ आप कर सकते हो। तो अगर आप पास में रखना ही है तो आप अपना स्मार्टफोन एयरप्लेन मोड पर डाल सकते हो और आप जहाँ मर्जी चाहे रख सकते हैं, अपने पास में, अपने बगल में या फिर कहीं पर भी। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। और मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सोने से एक घंटे पहले अपना स्मार्टफोन ना ही ले तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको नींद भी अच्छी लगेगी और साथ में अगर आप स्मार्टफोन लेते हो रात तक, यानी देर रात तक बैठते हो स्मार्टफोन लेकर, तो उसकी जो ब्लू लाइट होती है वो आपके नींद को बिगाड़ देगी और आपको नींद नहीं आएगी। आप स्मार्टफोन लेने के लिए बार बार उतावले हो जाएंगे, आप बार बार चेक करते रहेंगे अपने स्मार्टफोन को, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी रात भर और आपको नींद अचानक से कहीं पर भी लग जाएगी और सुबह आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मैं सो गया था। तो ऐसा अगर आप नहीं चाहते हैं तो एक घंटे सोने से पहले अपना स्मार्टफोन ऑफ़ करके बाजू में कहीं पर रख देना और आप एक बुक पढ़ लेना या तो आपकी टीवी देख लेना, टीवी भी बहुत ही अच्छा होता है, या फिर आप टाइम पास कर सकते हैं एक घंटे सोने से पहले। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ब्लू लाइट के बारे में मैंने भी एक वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर, तो वो आप देख लेना, आपको मिल जाएगा सर्च करोगे तो मेरे चैनल पर। तो इतना ही बताना था आपको कि ऐसी चीज़ें आप मत करना, रात को सोते समय अपना स्मार्टफोन बाजू में मत रखना, ये काफ़ी हानिकारक है, काफ़ी नुकसानदायक है, इससे कई सारी बीमारियाँ भी हो सकती है आपके लिए, कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं आगे जाके, और ये आपको पहले ही पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपके शरीर में ऐसा आपको दिखने लगेगा कि ये इसकी वजह से हो रहा है। तो प्लीज़ आप अभी ही सावधान रहे तो अच्छा है और स्मार्टफोन से थोड़ा दूरी रहना, अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना। तो इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि क्या क्या करना चाहिए आपको। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसके बारे में कमेंट कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।